अश्विनी जी, बनारस के जरिए क्या पूर्वांचल की सभी सीटों पर असर डाल पाएंगे? प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपना जलवा दिखाया बनारस में, बीजेपी को कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि कई तरह की दिक्कतें भी पूर्वांचल के साथ कही गई कि पार्टी में आंतरिक कलह की बात भी थी सामने, सीटों को लेकर कई तरह की दिक्कतें थी, वो सभी जो जितनी भी समस्याएं थी, क्या वो डैमेज कंट्रोल पीएम कर पाएंगे और बीजेपी को बढ़त मिलेगी? नहीं नहीं अभिलाषा जी, जहाँ तक पूर्वांचल की बात है, मैं पूर्वांचल का ही हूँ, मेरा जो अपना मूल निवास है इलाहाबाद का ही हूँ, इलाहाबाद ही। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की लहर है वो केवल पूर्वांचल में नहीं है, ये पहले फेज से, मेरा एक मकान गाजियाबाद में है, दूसरा मूल रूप से मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, अभी मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, तो मैं इसलिए कह सकता हूँ हमने यहाँ का भी देखा और वहाँ का भी देखा। पूरे उत्तर प्रदेश जो एक महीने भ्रमण करके हमने देखा है, अच्छी तरीके से जनता ने, क्योंकि जनता केवल एक तरीके से नहीं परेशान थी, केवल भ्रष्टाचार से नहीं परेशान थी, वो गुंडाराज से परेशान थी, गरीब जो जमीनें कब्जा कर रहे थे जब उससे गरीब परेशान थे, माफिया से परेशान थे, जो शराब माफिया वो अलग तरीके का काम कर रहे थे, जो लैंड माफिया अलग तरीके का काम कर रहे थे, और सबसे बुरा हाल तो था थानों का। ये जो थाने थे वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर बन चुके थे जी। आपको अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 1150 वकील, 1125 थानेदार थे, उसमें से 800 थानेदार पर्टिकुलर एक जाति के, 300 थानेदार एक धर्म के। तो ये जो हुआ है, जो थानों को एक तरीके से सपा का ऑफिस बना दिया गया, मतलब उससे जनता बहुत परेशान हुई है, सामान्य व्यक्ति बहुत परेशान हुआ है। और आपको मैं आज का एग्जाम्पल देता हूं अभिलाषा जी, लखनऊ में एक ISIS का आतंकवादी मारा गया, मुख्यमंत्री अभी तक बाहर आके एक बार पुलिस वालों की पीठ नहीं थपथपा रहे। आप जरा सोचिए, ये लोग वोट के लिए कितना नीचे गिर गए। मुख्यमंत्री को कायदे से एक बार आके अपनी पुलिस की पीठ थपथपानी चाहिए थी, भैया आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इनको लगता है कि नहीं, अगर हम कहते हमारी पुलिस ने मारा, हमारे पुलिस ने बहुत बड़ा काम किया, इनको लगता है वोट कम हो जाएगा। तो इन्होंने ये जो एक अलग तरीके की राजनीति, कहते ना विकास की राजनीति, इन्होंने विकास की राजनीति नहीं, इन्होंने विनाश की राजनीति किया है। उत्तर प्रदेश में केवल जहर घोला है, एक जाति और एक धर्म को इन्होंने बढ़ाया है, बाकी सबको इन्होंने पीछे कर दिया है। चलिए चलिए।